हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि चॉकलेट खानी चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि चॉकलेट खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, जो भक्त लोग हैं उन्हें चॉकलेट खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि चॉकलेट खाएं या ना खाएं। हम तो कभी कभी खाते हैं, तो साल में एक बार खाते हैं, महीने में एक बार खाते हैं, तो चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। तो पहला रीज़न ये है कि इसमें कोको होता है। तो कोको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंटॉक्सिकेंट है और एडिक्टिव है। इससे हमारा जो चौथा नियम है वो भंग होता है, फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूटता है। तो इसलिए हमें इस चॉकलेट को नहीं खाना चाहिए। फिर भी जो लोग कहते हैं कि मैं तो कभी कभी खाता हूँ, इससे नियम नहीं टूटेगा, या कुछ बहाने बनाते हैं, उनके लिए एक और रीज़न है कि जब कोको जो मेन इंग्रेडिएंट है इस चॉकलेट का, उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में डाला जाता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब वो होता है एक वेसल में, तब उसमें से एक गंध निकलती है जो कॉकरोचेस को बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो जब वो फर्मेंटेशन चल रही होती है तो कुछ कॉकरोच आके उसमें गिर जाते हैं। तो फूड जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको ये सारा प्रोसेस बताया कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उस गंध से अट्रैक्ट होकर कॉकरोच इसमें गिर जाते हैं। तो उन्होंने एक छूट दी कि आप 100 ग्राम चॉकलेट में 4% कॉकरोचेस के पार्ट्स जो है वो हम अलाउ करते हैं। FDA ने ये अलाउ इसलिए किया क्योंकि अगर उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद उसको फिल्टर करते तो वो और ज़्यादा जो है हानिकारक होता हमारे शरीर के लिए। तो ये कॉकरोचेस पार्ट उन्होंने 4% तक जो है अलाउ किए हैं, और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि ये हमारे लिवर पर बैड इफेक्ट जो है डालती है। तो इसलिए हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं, इसलिए उन्होंने ये चॉकलेट खाना जो है हमारी संस्था में अलाउ नहीं किया। तो हमें भी जो है चॉकलेट को छोड़कर बहुत सारी अन्य मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, जिसको हम ले सकते हैं, जिसको हम रेलिश कर सकते हैं, खा सकते हैं, और भगवान को भोग लगाकर खाने से उसका जो है आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चॉकलेट को हमें नहीं खाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।